चिन्ह मारे बने पाप वाहिगुरु ते रंगा विच रंगी हुई इस अंदर जीव गुरु की बख्शी हुई आपां पते परवार करी होली किन्नी संत सेव रंग लाता अग लाल देव ओ प्यारे रंगा विच रंगाउण वाले सतगुरु की बख्शी पते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो खालसा भी उसका फतेह भी उसकी फिर सास मेनू विच जिते मैं आ जाती है उस मैं नू मिटाउण दे लई जिहड़ी जुगत दर्शाई है इस हिंदुस्तान के अंदर सास मेनू त्यौहार ते बड़े मनाए जाते हैं पर त्यौहारां नू पर्व के रूप में गुरपुरब के रूप के मनाउण की जुगत जो है गुरु साहिबान ने दसी दुनियावी त्यौहार की रंगत उसके रंग कुछ चिरदे ने ते उस पार ब्रह्म के रंग विच रंगीज के जदों ये रूप उसके नाल इकमिक हो जाती है तो सत्संग जो वो रंग कदे उतरदा नहीं जिमें आप जी शरण कर रहे सो जत्ते पासों लाल रंग जिस को लगा तिसके बट पा मैला कदे ना हो ना लगेगा ना वो फिर मैला होंदा है ना किसी तरह के विकार की उसको मैल लगती है ना कोई दाग लगता है ऐसा प्यारा रंग चढ़ाने के लिए गुरु पातशाह ने होली नूं ही होले महल्ले के रूप में मनाउण की जुगत दसी सत्संग जो गुरु पातशाह की पावन बाणी जो 550 साल पहले तो समझो लिखी गई है उस पावन बाणी की प्रासंगिकता इतनी है वो हर युग के जिन्ने तक ये दुनिया है उन्ने तक सत्संग जो वो हमेशा प्रासंगिक रहेगी उसनों लगेगी कि अज की गल है वो कदे पुरानी नहीं होगी तो सत्संग जो तो हर वेले हरेक मनुख न जदों इस पावन बाणी तो वो सेध लैके जीवना शुरू कर देगा उसका जीवन तनता योग हो जाएगा केवल वो अपना ही जीवन सफल नहीं करेगा वो अपना आला दुआला अपना परिवार अपना समाज अपना देश इतों तक कि पूरे विश्व के उसका किधरे ना किधरे बहुत अहम रोल होगा। होली पुरानी पुरानी कथा से आधारित त्यौहार है तो सत्संग जी इस सच्चे रंग भरे ने गुरु पातशाह ने ते गुरु पातशाह ने जो रंग भरे ने उस तो पहले जो किसी भी जगह पर गुरु पातशाह ये नहीं कह रहे कि वो धर्म के जो पुराने इतिहास ने वो गलत ने मिथ इतिहास ने वो सतयुग का हो त्रेता युग का हो द्वापर युग का हो उस जी काट आ गई सी जिहड़ा उसका एक दुरवरतों होने लग गई सी उस दे विच सुधार करके गुरु पातशाह ने सानू इन्हां रंगां नूं किस तरह मनाना है पंचम पातशाह ने फरमाइश कर दिता होली किन्नी संसेव रंग लाका अति लाल दे संतां दी संगत नूं मैं होली बनाया ते उस दे नाल की होया इहो जिहा प्यार दा रंग चढ़िया है होली किन्नी संत सेव संतां दी सेवा करके जो मैं होली बनाई उसका मैनूं इहो जिहा रंग चढ़िया जिहड़ा कदे भी उतरदा नहीं जिस विच दिनों दिन होर बख्शिश होंदी है और रंग होर गुड़ा होता जाता है। सत्संग जी भगत प्रहलाद का जिक्र गुरबाणी में बहुत बार आया भगत ध्रुव का जिक्र भी गुरबाणी में बहुत बार आया तो गुरु पातशाह गुरबाणी के अंदर संगीत भी करते हैं कि जिहड़ा जिहड़ी लगन जो बचपन में लगती है ना वो जवानी में नहीं लग सकती तो जिहड़ी जवानी में लग जाए वो बुढ़ापे में नहीं लग सकती इसलिए राम जपो जी ऐसे ऐसे दोनों ही राजे के पुत्र ने दोनों राजे के पुत्र ने उसके बावजूद कारण दोनों का ही रब नूं जपण का अलग है विस्तार विच नहीं जा सकती पर भगत प्रहलाद की गल तो करांगे ना क्योंकि होली तो ही होला महला बनिया सत्संग जी होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगत प्रहलाद की उस परमात्मा ने रक्षा की है तो होलिका जिहड़ी उसकी भूआ सी उसका दहन होया है उसे रूप में इसनों दहन करके फिर सत्संग जी उस रब जी ने हर युग में अपने भगतों की रक्षा करनी है
हर युग युग विच जिस भी युग विच ऐसी विडंबना बनी है ते उन्हां दा अंत करन दे लई परमात्मा ऐसी ऐसी युगता बना दिंदा है। बेशक हिरण्यकश्यप ने उस परमात्मा तो वर मंगे सन, बेशक इतनी तपस्या की सी पर साध संगत जीओ उन्हें वर मंग रखा सी कि मैं मरा ना। ये सब तो बड़ा जो एक भुलेखा है बंदे दे मन विच कि उसने वर मंग लिया ते मंगिया भी परमात्मा तो ते परमात्मा ने वर दे भी दिता कि मौत नहीं होवेगी। हुण साध संगत जीओ उसने जिस वर दे विच जिन्ना कुछ मंगिया, ना मैं दिने मरा, ना मैं राती मरा, ना मैनू जमीन ते मरा, ना आसमान विच मरा, ना मैनू पशु मार सके, ना मैनू बंदा मार सके, ना अस्त्र मार सके, ना शस्त्र मार सके, ना अग जाल सके, ना ही मैनू पानी डोब सके, इन्ने सारे चीजां फिर मौत का कोई कारण नहीं बचा। एक किड्डा वड्डा भुलेखा है परमात्मा जिहड़ा मौत दे मुँह च कढ भी लैंदा है ते मौत दे मुँह च धकेलण विच भी कोई वसीला बना लैंदा है। उसके पर कोई थोड़े जरिए ने। हुण साध संगत जीओ जदों भगत प्रहलाद 5 साल दे होए ने, ओ परमात्मा दी बंदगी करन वाले उस सच्चे परमात्मा दा, हुण साध संगत जीओ राम त्रेता युग दे ने, इह सतयुग दी कथा है, इसलिए साध संगत जीओ राम दशरथ पुत्र राम दी गल नहीं हो रही इत्थे, उस राम दी गल हो रही है जो कट कट विच कण कण विच रमिया होया है, उस रमैया दी गल हो रही है ते उसकी आराधना भगत प्रहलाद कर रहे ने। ते 5 साल दी उम्र विच जदों पढ़ने पाया है ते उत्थे जाके भी साध संगत जी उन्हां नूं कह दित्ता गया, उन्हां दे गुरु जिहड़े सन उन्हां नूं भी समझा दित्ता गया कि इस नूं मेरी पूजा करानी है। ते उह सारे जिहड़े उत्थे पढ़न वाले लोक चाकड़े जिहनूं कहिंदे आ, शिष्य जिहनूं कहिंदे आ, उह ते उस हिरण्यकश्यप दी पूजा कर रहे ने, उहनूं परमात्मा मान रहे ने। पर भगत प्रहलाद आखदे आ वी इह राम थोड़ी है, मेरा पिता राम थोड़ी है, उह परमात्मा दी होर है, उह कण कण विच वसिया होया है। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਡਾ ਤੇ ਅਮਰਤ ਜੋ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਲਟ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਾਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਗਈ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈ ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਸਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਓੜ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਅਨੋਖੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਖ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਾਖ ਨੂੰ ਸਵਾਨ ਉਡਾ ਕੇ ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਨਾ ਇਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ, ਈਰਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ ਵਧੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਨਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਰਣਯਕਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੰਮ ਜੋ ਹੈ ਤਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਿੱਟੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੰਮੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਝੱਟ ਉਸਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ।
जो एक कीड़ी सुरक्षित है उस रब दे रंगा करके तब मैं क्यों मर सक मैं किवें मर सकता जिवें कुट के जब भी पाई है ते सास संग जो उसे वेले जो नरसिंह रूप दे विच भगवान प्रगट हुए ने ते खड़ने कश्यप नु कहने गोड़ियां विच ले लिया है ना जमीन है ना आसमान है ना वो सवेर का समा है ना शाम है ना रात है और जब त्रिकालां दा एहो जिहा समा हुंदा है ना सूरज डुबण वाला हुंदा है पूरी तरह डुबिया नहीं हुंदा ना जल है ना अस्त्र है ना शस्त्र है ना अग्नि है पर ना ही वो पशु के रूप विच ने ना इंसान के रूप विच ने कि इस तरह नरसिंह रूप दे विच आके नर ताड़ू जिहड़ा नर वाला है इंसान वाला है ते उत्तों सिंह दा रूप है यानी पशु दा रूप है ते उहना नाखूना दे ना कहिंदे गोडियां ते लै के उसनों नाखूना दे नाल इंज करके दो बार कर दिता है ते इस तरह हिरण्यकश्यप की मौत होंदी है ते भगत प्रहलाद की रक्षा होंदी है ते उत्थों जय जयकार होंदी है परमात्मा की बख्शी सदके ऐसी रहमत सदके भगत प्रहलाद की जय जयकार होंदी है ते भगतां की हमेशा जय जयकार होंदी रहिंदी है ते उहनां दे विरोधी भी हर युग विच होंदे ने। हुण सतसंग जी इन्हां झूठियां रंगां विचों कढ के बेशक छेवें पातशाह ने भी मेरी पीरी की तलवार धारण करके एक रूप जो है ऐसा विलक्षण बना दिता पर रेंदी सेंदी कसर जेड़ी है वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने दसम पातशाह ने जिन्होंने अमृत की दात बख्श के खालसा की सरजना की है। 1699 की विसाखी वाले दिन ये खालसा पंथ की सरजना कर रहे हैं तो 1700 ईस्वी के गुरु पातशाह ये होला महला मना एक नवी युग एक नवी खेत रच रहे हैं जिसके अंदर के जड़ी भुली पटकी मानवता है या इस तरह झूठे रंगों में रंगीच के अपना अस्तित्व खुल गई है अपने जीवन का मकसद मनोरथ खुल गई है उसके अंदर एक सजिंदगी पढ़ने के लिए गुरु पातशाह ने होला महला बना की एक जुगत बनाई है। दो दल बनाए जाते सन तो सतसंग जो होला महला होला यानी हला तो महला यानी जिथे हला किया जाता है तो उस गढ़ के किले के एक जगह मुकरित करके गुरु पातशाह दो दल बना के दोनों के बीच एक अखोती लड़ाई करवाई जाती सी। उस जंग के बीच जेड़ा जेड़ा पक्ष जेड़ा दल जीत जाता सी तां गुरु पातशाह उसनों बहुत इनाम दे के सरबाव दे के उन्हां दा सत्कार करते सन देख प्रसाद तैयार होंदी सी एक घुड़सवारियां एक कितना मतलब इस तरह का अस्त्र शस्त्र चलाउण दी जिहड़ी कला है उसनों जिसनों अज आप सारे भूलते जा रहे हैं वह सारी एक सुरमगताई का जोड़ा वेश थी बारों भी सतसंग अंतरात्मा भी रहत जी है वह बाहर की भी है अंतरात्मा की भी है तो दोनों मुकम्मल करके दोनों का सुमेल करके गुरु पातशाह ने ऐसी कौम तैयार कर दी अंदरों जिन्होंने उस परमात्मा की बंदगी हलीमी है तो सतसंग बाहरों इतनी शूरवीरता है कि जो कोई बाहरी रूप में आक्रमण करे ता फिर सतसंग जी उसका जोड़ा है मुँह तोड़ जवाब दिता जा सके। गुरु पातशाह ने ऐसी कौम तैयार कर दी ऐसा खालसा तैयार कर दिता ऐसा खालस रूप जो सतसंग जी जो किसी की कीम नहीं मनता केवल से केवल एक अकाल पुरख के पैर में रहता है तो उसके पैर में रेंदे हुए कदे कोई गलत काम करता नहीं तो गलत सहता भी नहीं। इसलिए सतसंग जी गुरु तेग बहादुर जी पावन प्रमाण करते हैं वह काबू को दे नहीं मैं मेहमान कान जे सतसंग असल ज्ञानी कोई है ना किसी को डराता है ना किसी की कीम मनता है ना किसी को डरता है पूरे अपने उसके रब जी के वाहिगुरु अकाल पुरख के पैर में रेंदे हुए इस तरह का जीवन बतीत करता है वह केवल कला अपने लिए नहीं जीता उस सारी कौम ले जीता है उन्होंने लिए कुर्बान हो जाता है मातृभूमि लिए देश लिए वतन दे जीवन की सारी दुनिया के कल्याण के लिए वो हर वेले अठे पैर तत्पर रहता है ऐसा खालसा गुरु पातशाह ने तैयार किया है तो सतसंग उसनू इतना माण भी बख्शा है कि उसनू शान नाल जीवन की जुगत भी दसी है कि सतसंग नाल जिथे अपने नाँ के नाल गुरु पातशाह ने सिंह शब्द की वरतों की है उत्थे नाल ओहो जी सूरत ओहो जी सीरत ओहो जे नाम के नाल कौर ते सिंह लगाउण दी जिहड़ी है यह भी गुरु पातशाह की बख्शिश है उस बख्शिश नू आपां अपनी झोली विच पा के रखिए उस दीआं रहमतां दे मूँह भी अठे पैर वरसते ने पर असी ही अनजाणपणे विच भुलेखे विच भरमां विच पै के कर्मकांडां विच पै के उस इतनी बख्शिश नू जदों भुल जांदे हां तां आप ही भुल जांदे हां इसलिए उस बख्शिश नू याद रखिए ते हमेशा उस वाहिगुरु दे पैर च रहिंदे होए हमेशा ऐसा जीवन जीविए कि जदों सतसंग जी कोई जिक्र करदा है ना केवल हिंदुस्तान की गल नहीं अज सारी दुनिया में
खालसा की जय जयकार है, इस पंथ की जय जयकार है। किस करके है? क्योंकि गुरु पातशाह की बख्शिश उसकी वक्ती पहचान है, उसकी आन बान शान अपना अपने आप बरकरार रखना है। जिस सदके ये लोग सुखिए पर लोग सुखे के नानक हर गुरु आपे मिले की व्यवस्था बन सके। कुल्ला चुपका निकिमा बख्शियो जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। Thank you.